हाय दोस्तों, मैं हूं नेहा सिंह बोलबोल बॉलीवुड के साथ और लेकर आई हूं बिग बॉस की कल की बातें। जी हां, आखिरकार कल क्या क्या स्पेशली वीकेंड के वॉर में होने वाला है, उसी के साथ कितना सलमान कल मस्ती करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि फिनाले के बाद भैया एक नए फिनाले की तैयारी होने वाली है जो 1.5 महीना जमकर चलने वाला है, और टीआरपी अगर अच्छी दे दी तो शो थोड़ा और भी आगे बढ़ जाएगा। चलिए बात करते हैं इनकी कल का फिनाले क्यों है इतना ज्यादा स्पेशल, और उसी के साथ कल जो 6 चैलेंजेस आ रहे हैं वो अपना किस तरह का जलवा बिखेरते नजर आएंगे। तो चलिए आपको बता देती हूँ कि सलमान थोड़े लेट सेट पे पहुंचे थे, पर सलमान से पहले ही ऑलरेडी जितने भी कंटेस्टेंट हैं उन्होंने अपना डांस ऑलरेडी स्टेज पे कर चुके थे, उस पर रिएक्ट करते हुए सलमान पूरी तरह नजर आएंगे। पर उसी के अलावा चलिए बता देती हूँ, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो भी कंटेस्टेंट घर के अंदर आ रहे हैं उनमें से जो 4 कंटेस्टेंट ऐसे हैं जो एक दूसरे के सीजन में रह चुके हैं। जैसे मैंने कहा था कि बिग बॉस को कहीं ना कहीं जो फर्स्ट जो सीजन चलाने वाले थे, फर्स्ट हिट कराने वाले राखी और कश्मीरा शाह को हम कैसे भूल सकते हैं, जो फर्स्ट सीजन में ही एक दूसरे के साथ थी। मंच पे भी ये दोनों का पूरी की पूरी तरह स्टेज पे ये दोनों एक दूसरे के साथ मजाक करते हुए नजर आएंगे, एक दूसरे की टांग खिंचाई करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि यार 14 साल पहले इस शो की शुरुआत ही इन दो कंटेस्टेंट से हुई थी। उसी के बाद अगर मैं बात करूं तो अर्शी और विकास गुप्ता भी बिग बॉस 11 में थे। दोनों की नोकझोंक हो, दोनों की दोस्ती हो, दोनों की दुश्मनी हो, हमेशा खुल के मीडिया के सामने आती रही है। अब तक जब तक वो दोनों बिग बॉस में नहीं गए थे, खुल के भैया इन दोनों की दुश्मनी भी सामने आ रही थी। बिग बॉस में जाने के बाद ही अपनी दुश्मनी के चर्चे ज्यादा करते हैं, अपनी दोस्ती के या भाई बहन का जो एक रिश्ता इन्होंने बनाया था उसको कंटिन्यू करते हुए नजर आएंगे। वहीं अगर मैं राहुल महाजन की बात करूं तो कहीं ना कहीं वो राखी के साथ फ्लर्ट करते हुए नजर आएंगे। राखी और उनकी काफी सारी टांग खिंचाइयां हमें देखने के लिए स्टेज के ऊपर मिलेगी। और उसी के साथ अगर मैं बात करूं तो मन्नू पंजाबी का एक अलग ही अंदाज मिलेगा। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि मन्नू जब से बिग बॉस से बाहर निकले थे, आई मीन बिग बॉस 10 से, तब से ही वो अपना खुद का एक YouTube चैनल चला रहे हैं, बिग बॉस के रिव्यूज देखते हुए नजर आते हैं, बहुत सारी चीजें करते हुए नजर आते हैं। तो कल का जो वीकेंड का वॉर होगा वो पूरी की तरह फिनाले पे होने वाला है कि भैया दो ऐसे कंटेस्टेंट जो घर से बेघर होंगे वोटिंग पोल के हिसाब से, उसी के साथ ये जब 6 चैलेंजेस मिलेंगे भैया जाकर जो 4 फाइनलिस्ट थे, जो 4 फाइनलिस्ट के रिएक्शन कैसे होंगे, और जब ये चैलेंजर्स घर के अंदर जाएंगे तो कितना सच में टीआरपी इस बार बिग बॉस को दे पाएंगे, ये तो सब आने वाले वक्त में क्लियर हो ही जाएगा। मे बी हम ये कह भी सकते हैं बेचारे सलमान के लिए थोड़ा अच्छा मौका होगा, क्योंकि सलमान इतने बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कुछ तो मसाला हो, कुछ तो मसाला हो, जहां मैं जाकर खुल के बात करूं, क्योंकि सलमान को भी कुछ इंटरटेनिंग फैक्टर नहीं मिल रहा था। बिग बॉस भी जबरदस्ती के अपने एक एक टास्क देने में लगे हुए थे, तो अभी सारी चीजें थोड़ी हटके चीजें होंगी। वही जहां हम हमेशा जानते हैं जो हर सीजन होता है जब वो अंत पे होता है, ये तो फिलहाल अंत पे नहीं है, पर कुछ लोगों के लिए अंत ही होगा बिग बॉस का। उन्हें हर किसी को उनकी एक स्पेशल जर्नी दिखाई जाएगी और उनको एक मौका दिया जाएगा कि उस जर्नी में से वो अपना कोई भी एक हिस्सा अगर वो चाहते हैं उस जर्नी में से हटाने के लिए बिग बॉस की जर्नी में से, तो उन्हें मौका मिलेगा। तो ऐसे बहुत से मौके होंगे जो हर कोई करेगा, पर रुबीना जैस्मिन के साथ जो उनकी दोस्ती है उस मौके को हमेशा के लिए फाड़ कर फेंकना पसंद करेंगी। वैसे बहुत सारे मौके होंगे, कोई किसी के साथ झगड़े का मौका करेगा, कोई किसी के साथ मोहब्बत का मौका, कोई ये सोचेगा कि चलो इसे मैं खत्म कर देती हूँ। तो ये सारी इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है कल के वीकेंड के वॉर में, तो मिस मत कीजिएगा, क्योंकि चैलेंजेस जो आ रहे हैं एक नए चैलेंजेस के, अब उसके बाद शो कितना बोरिंग हुआ कितना इंटरेस्टिंग हुआ तो आने वाले वक्त में क्लियर हो ही जाएगा। पर ये जो धमाकेदार एंट्री होने वाली इस बार बिग बॉस 14 में बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट की, तो चलिए इसी के लिए वीकेंड का वॉर देख लीजिए। जो नहीं देखेंगे तो मेरे रिव्यू का इंतजार कर लीजिएगा। वेल, आप कितना ज्यादा एक्साइटेड हैं ये चैलेंजर्स को घर के अंदर जाते हुए देखने के लिए, उससे ज्यादा इन लोगों के रिएक्शन देखने के लिए, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। बाकी खबरों के लिए बने रहिए बोल बोल बॉलीवुड के साथ।